12 फिजिक्स चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर लेकर, ठीक है। और इससे पहले लेक्चर में हमने करंट के बारे में पढ़ा था कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ा था हमने, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। और ये एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अगर स्केलर वेक्टर में मिलता है, अदरवाइज तो ये टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने एक टर्म्स और पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको याद हो तो क्या पता होती थी कि सपोज करो एक कोई कंडक्टर था, इस कंडक्टर को हमने एक टुकड़ा लिया और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही पहले से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें जनरेट हुआ, इसके कारण एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाने के कारण जो बैटरी लगाती है, तो इसके अंदर जो ई इन साइड है वो, अब इसमें जो पहले चार्ज एक्युमुलेट हो रहे थे, ठीक है, वो मूव करना स्टार्ट हो गए। पहले भी इलेक्ट्रॉन चल रहे थे थर्मल एनर्जी से, लेकिन उनकी जो स्पीड थी वो बहुत थी, 10^5 मीटर पर सेकेंड, 10^6 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या कर रहे थे, ये कोलिजन कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन होते थे इतनी स्पीड से और इतने से कंडक्टर के अंदर। तो ये कहीं भी एक, मतलब एक जो भी इलेक्ट्रॉन था वो टकरा टुकड़ू कर ऐसे करके वहीं आ जाता था, तो इससे इनको कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता था, ना डिस्प्लेसमेंट मिलता था, तो इसका मतलब इनकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो जाती थी, स्पीड थी लेकिन वेलोसिटी जीरो होती थी। अब बैटरी, बैटरी ने क्या कर दिया, बैटरी ने आपको समझ में आ गया, पोटेंशियल जनरेट कर दिया इनके बीच में, पोटेंशियल जनरेट होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगी जिसको हमने बोला एफ इज इक्वल टू क्यूई, और इस क्यूई की वजह से इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलने शुरू हो गए, और जब ये डेफिनेट डायरेक्शन से चलने शुरू हो गए तो इनकी स्पीड थोड़ी कम हुई, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पहले जिस टाइप के ऐसे मोशन कर रहे थे वो अब ये, यानी थोड़े ड्रिफ्ट हो गए, और ड्रिफ्ट होने से इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई है, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, आपको याद हो, ये सब पहले लेक्चर में है, आप उसे देखकर आए, तो सिंपल है ई टाउ बाय एम, ठीक है, ई टाउ बाय एम। टाउ क्या होता था, रिलैक्सेशन टाइम, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम इज द मास। तो ये चीज हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें एक और रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, एक रिलेशन और पढ़ा था इसके अंदर हमने करंट का, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, ये एक रिलेशन पढ़ा था करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और यहां पर हमने आई इज इक्वल टू एन ई ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखी ई टाउ बाय एम। तो आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय एम, और ई के प्लेस पर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ये हो गया एन ई स्क्वायर ए वी टाउ बाई एम एल, और यहां से हमने वी की जो वैल्यू निकाली तो वी की वैल्यू आई थी हमारी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ एंड आई। तो इस ये कॉन्स्टेंट था जिसको हमने वी प्रोपोर्शनल आई, और वी इज इक्वल टू आई आर माना, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ था यहां तक, तो ये भी पढ़ा था हमने यहाँ तक ओम्स लॉ का एप्लीकेशन, तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये सब चीज हम बता चुके हैं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e चार्ज ऑफ o चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और tau इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक, तो r इज इक्वल टू v अपॉन i, एक रिलेशन निकाल कर लाए थे। उसके बाद हमने एक और रिलेशन निकाला कि एल वाई ए, इसको छोड़ा तो वी इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ ए, और एल अगर हमने इसको, ये भी कांस्टेंट थे, ठीक है, ये कांस्टेंट थे, तो वी अपॉन आई, बी और आई को धर लिया था हमने ये, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट माना तो ये हो गया रो एल बाय ए, और ये है आपका आर। तो एक और रिलेशन आ गया था हमारा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे यहां तक। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, एरिया, और आर क्या है, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या है, ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम मीटर,
ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहां तक पढ़ चुके थे। अच्छा जी, फिर आगे देखते हैं अब इसमें। तो पहले हम R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इसको ही समझते हैं कि आप देखिए, सपोज करो एग्जाम्पल कुछ समझते हैं यहां से कि एक चीज बताइए, पहले सपोज करो एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। इसी रॉड को हमने और रेसिस्टिविटी इसकी रो है, इसी रॉड की हमने इसको स्ट्रेच किया ठीक है, स्ट्रेच करके हमने इसकी लेंथ को 2L कर दिया, एरिया हो गया ए डैश, चेंज हुआ हुआ एरिया अब कितना चेंज हुआ यह हम देखना पड़ेगा, और डेंसिटी इसकी अब भी रो है। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन आर एंड आर डैश, इसका अगर रेजिस्टेंस आर मान लें और इसका रेजिस्टेंस आर डैश मान लें तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये चीज फाइंड करनी थी हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रेच किया या कंप्रेस कर दिया तब क्या होगा। तो देखिए इस पहले वाले केस में देखते हैं, तो पहले वाले केस में R इज इक्वल टू सीधा सीधा रो एल बाई ए आ जाएगा। सेकंड केस में बात करते हैं तो R डैश इज इक्वल टू रो इनटू 2L बाई ए डैश। अब ए डैश हमें नहीं पता तो ए डैश को हमें निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा मतलब है कि दोनों रोड का वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं भाई, हमने इनके शेप साइज चेंज करी लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब वॉल्यूम इनिशियल यानी फर्स्ट का इज इक्वल टू वॉल्यूम सेकंड का, ये तो दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा यहाँ, एल इंटू ए मैं लेंथ इंटू एरिया, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा 2L इंटू ए डैश, एल से एल कट गया तो ए डैश की वैल्यू आ गई आपकी ए बाई टू। तो यहां से हमें पता चला कि एरिया इसका हाफ हो गया होगा, तो अगर एरिया हाफ हो गया तो हम इसे निकाल लेते हैं रो 2L अपॉन ए बाई टू, टू ऊपर आ गया तो 4 रो एल बाई ए, पहले का कितना था रो एल बाई ए, दूसरे का कितना है 4 रो एल बाई ए। तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो R डैश है वो 4 टाइम्स पहले वाले रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक है। R डैश इज इक्वल टू 4R, तो क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, कंप्रेस करना है और या स्ट्रेस करना है, एरिया का रिलेशन निकाल लीजिए, एरिया का रिलेशन निकाल लेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। अगर देखो इसमें कंप्रेस वाला केस आ जाता, सपोज करो कि भाई एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, डेंसिटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस हमें पता है सीधा सीधा क्या होगा रो एल बाई ए। अब हमने क्या करा, से कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके हमने क्या करा कि इसकी लेंथ को आधा कर दिया, यानी लेंथ हो गई l बाई टू। अब एरिया फिर देखना पड़ेगा हमें, एरिया क्या हो गया वो तो रो ही है, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा r डैश वो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, मैंने फिर बताया वही लॉजिक लगा लीजिए, एरिया फाइंड करने के लिए पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम चेंज होना नहीं चाहिए, यानी वॉल्यूम फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम टू, वॉल्यूम फर्स्ट कितना है l इनटू a और अब कितना हो गया l बाई टू इनटू a डैश, एल से एल कट गया तो ए डैश इज इक्वल टू 2a, यानी एरिया इस बार डबल हो गया है। अगर एरिया डबल हो गया तो आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय 2 इनटू 2a, तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4a, तो ये 4 टाइम्स कम हो गया, देखिए ठीक है। R डैश इज इक्वल टू रो एल बाई 4 है, तो इसका मतलब है R डैश है वो R अपॉन 4 हो गया इस बार। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकते हैं आपको कि अगर आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक है कि हमें R डैश अगर फाइंड करना है तो R डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर, ऐसे लिख लीजिए। एन क्या है, एन वही है नंबर ऑफ टाइम स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग, जितने भी टाइम्स करे उसको यहां लिख लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बस याद रखना एन क्या है, एन या तो स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग जो भी है, नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेच
और कंप्रेस, यानी आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रेस या कंप्रेस। तो अगर मिलेगा तो आर दीजिए। अब सपोज करो कि कोई वायर है वो 5 times स्ट्रेस कर दी, तो उसका 5 5 5 5 25, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 25 times जो पुराने रेजिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है, आधा कर दिया तो आप समझ रहे हो n by 2 कर दिया, n by 2 का मतलब n square by 4 यानी 1/4, तो पहले रेजिस्टेंस का 4 times डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आप इस शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो कि हम पढ़ते आते हैं, कि आपने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, ये R is equal to rho L by A। जरा इसको हमें स्टेटमेंट में समझना है कि ये है क्या रियलिटी में। अभी तक जो हम समझते हैं वो समझते हैं हम कि R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, rho क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यही पढ़ते हैं। अब एक चीज समझना, देखिए इसको हम रीडिफाइन करेंगे। देखो तो एक नई चीज समझिए, ऐसा करते हैं कि एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, क्यूब ले लो या क्यूबॉइड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस थोड़ा सा ये क्लियर करना है कंसेप्ट। चलिए हमने क्यूब ले ली ऐसे करके, क्लियर, इसको हम एक्स एक्सिस मान लें और इसको वाई एक्सिस मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी इस लेंथ को मान लें ए, इसको मान लें बी और इसको मान लें सी। ठीक है, क्यूब को बैठ कोई टेंशन नहीं है, वो चीज देखना है अभी हमें, इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने करंट को ऐसे एंटर कराया, ठीक है, करंट ऐसे सरफेस को करंट एंटर हो रहा है, यानी इस वाले सरफेस से एंटर कर रहा है, इस वाले सरफेस से आउट हो रहा है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो हम रो मान ली है, रेजिस्टिविटी रो है, क्लियर है। तो आपसे पूछा कि इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी यहां 1 से और सपोज करो 2 पर होकर पार निकल रही है, ऐसे करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो अगर हम इस केस में बोलें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो, रो को रो ही लिख लें। एल क्या है इस केस में, एल क्या है, ध्यान से देखिए, इस केस में एल जो है वो सी, अरे एल क्या है, सी, और एरिया क्या है, एरिया ये ना, एरिया ऑफ सरफेस, ए इंटू बी। तो इस केस में जो आपका रेजिस्टेंस आया वो आया रो सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब सपोज करो कि हमने करंट ऐसे एंटर करा दिया, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस सरफेस से और इस सरफेस की तरफ निकल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में लेंथ बताइए, इस केस में लेंथ क्या होगी, तो इस केस में लेंथ हमें समझ आ रहा है, इस केस में लेंथ होगी बी, तो इसका मतलब रो बी, और एरिया क्या होगा, एरिया देखो ये होगा ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, ए इंटू सी। अच्छा, अब करंट सपोज करो हमने ऐसे एंटर कराया या इधर से एंटर कराया, ठीक है, करंट ऐसे एंटर करा दिया इस सरफेस से इनसाइड में, तो अगर हम यहां रेजिस्टेंस की बात करें तो रो और इस साइड में लेंथ क्या होगी, ए, देखो ध्यान से, तो ये होगी ए, और एरिया क्या होगा, एरिया होगा बी इंटू सी। तो यहां तो तीनों केस में रेजिस्टेंस अलग अलग आ रही है, जबकि कंडक्टर तो वही है पहले वाला, कंडक्टर तो एक ही है, और लेकिन रेजिस्टेंस आपको अलग अलग नजर आ रही है, ठीक है, उसमें सी अपॉन ए बी है, इसमें बी अपॉन ए सी है, और इसमें ए अपॉन बी सी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कुछ बोल रहे हैं तो इसमें कुछ कुछ ना कुछ करेक्शन की जरूरत है। देखिए और एक केस समझते हैं पहले, अभी आप सोचोगे क्यूब या क्यूबॉइड से था, तो वैसे एक केस और समझते हैं पहले, तब हम इसको रीडिफाइन करेंगे। एक सपोज करो ऐसे सिलेंड्रिकल वायर ले ली हमने,
ऐसे कर, इनर वाले इसकी रेडियस मान ली आर वन है और आउटर वाले की मान ली हमने आर टू है, ठीक है। इनर आर वन है और आउटर तक है आर टू, और इसकी लेंथ मान ली हमने एल, और करंट हमने ऐसे एंटर करा दिया, करंट मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है इसमें आई। अब आपसे पूछा कि इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा और इसकी रेजिस्टिविटी हमने रो ही मान ली, तो इस केस में क्या लिखेंगे बताइए रेजिस्टेंस। तो देखिए इस केस में रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू रो, इस केस में लेंथ कितनी है एल है, और ए क्या है एरिया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहां से फ्लो हो रहा है, देखो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है बस केवल, अरे करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे पाई आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, आ रहा समझ में भाई, केवल इसी में से तो करंट फ्लो हो रहा है बस केवल, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से पास हो ही नहीं रहा तो पूरा ही लिख लेंगे, बस ये वाला ही ले लेंगे, तो इस वाले का क्या है एरिया पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का छोटे वाले का क्या है पाई आर वन का स्क्वायर, दोनों को ले लेंगे तो पाई आर टू का माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, इस तरह से तो ये हो गया केस, ठीक है। और देखिए इसी केस को, तो ये एक ऐसा केस था, और अगर हम ठीक है बिल्कुल सेम सिलेंडर यही सिलेंडर ले लें, ठीक है इसको हम यहां लिख लेते हैं, और यही बिल्कुल सेम ऐसा ही केस फिर ले लेते हैं, और वही फिर R1 और ये मान लेते हैं R2 है आउटर वाले की, और लेंथ L है, लेकिन जो करंट है वो इस बार ऐसे फ्लो हो रहा है, अरे बायर से मतलब करंट ऐसे बाहर आ रहा है, बायर से ऐसे बाहर, तो अगर हम इसको एरिया को तो देखेंगे तो इसका कुछ ऊपर से देखें तो ये कहना कुछ इस टाइप का लगेगा, ये R1 ये R2 और करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, अरे ऊपर से ऐसे रिंग्स की तरह से हमें ऐसे करंट दिखाई देगा, तो और डेंसिटी रो है। अब इस केस में आपसे पूछेगा भाई इस केस में बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस केस पर रेजिस्टेंस देखिए करंट ऐसे बढ़ रहा है, डिस्टेंस अब चेंज हो रहा है, ठीक है देखिए यहाँ करंट के लिए कुछ एरिया अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, तो यहाँ तो एरिया अलग चेंज होता जा रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा अगर एरिया चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे केस में आपको पता है क्या करते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा आर पर जाकर डी आर की एक छोटी सी रिंग लेंगे, ठीक है क्या करना है आर पर जाना है और डी आर की एक छोटी सी रिंग लेंगे, और इस छोटी सी रिंग का जो छोटा सा रेडियस होगा उसको लिखोगे आप रो, और इसकी लेंथ क्या हो गई डी आर, अरे समझे रो डी आर, अच्छा लेंथ क्या होगी, लेंथ तुम्हें पता चल रहा है लेंथ, लेंथ ये वाला एरिया है इसका ये जो ये बनी हुई है, तो इस सिलेंडर का ये वाला एरिया, तो इसको क्या कहते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया टू पाई आर एल, आगे चल रहे टू पाई आर एल। अच्छा अब एक चीज देखो ये डी आर, फिर एक और ऐसी रिंग ली उसका भी डी आर, फिर एक और रिंग ली ऐसे डी आर, यानी डी आर लेते जाए तो डी आर सब सीरीज में है, डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ डीआर फिर डीआर फिर डीआर फिर डीआर, तो सब किस में है सीरीज में है, तो क्या हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो सबको हम सिंपली ऐड कर देंगे भाई पैरेलल होते तो वन आर करना पड़ता, लेकिन ये सब सीरीज में है तो डीआर 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 डीआर, तो इसका मतलब है सबको हम क्या कर दें इंटीग्रेशन कर दें कहां से कहां तक आर वन से लेकर आर टू तक, क्लियर हो गया आर वन से लेकर आर टू तक हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो ये हो गया आपका आर इज इक्वल टू रो कॉन्स्टेंट है 2 पाई एल कांस्टेंट हो गया और वो हो गया डी आर बाई आर और कहां से कहां तक आर वन से आर टू का, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये आ जाएगा रो 2 पाई एल लॉग आर और आर वन से आर टू, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो आर इज इक्वल टू रो 2 पाई एल लॉग आर टू अपॉन आर वन, देखिए वही केस था, ठीक है सेम ऐसे एल लेंथ का सिलेंडर था आर वन आर टू रेडियस थी, लेकिन पहले अगर हमने करंट ऐसे फ्लो कराया तो हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो आया रो एल अपॉन पाई आर टू स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां देखिए ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब अब हमें इस रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है जो हम पढ़ रहे हैं, आर इजिकल टू रेजिस्टेंस, रो इजिकल टू रेजिस्टिविटी, एल इजिकल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इजिकल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, इसको हमें रीडिफाइन करने की नीड है। ठीक है, रीडिफाइन नीड करना है, तो कैसे कैसे करेंगे रीडिफाइन, देखिए इसको, ठीक है, इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा हमें चेंज करना है ताकि आप क्वेश्चनों को गलत ना करें, अदरवाइज आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब वही चीज कहने लगे कि जैसे मैं आपसे बोलता कि सपोज करो ये एक मटेरियल है, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है और लेंथ एल है और एरिया ए है और इसमें से मैं करंट फ्लो कराऊं, ठीक है, तो क्या इसकी रेजिस्टेंस सेम होगी? ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे करंट कराऊं तो रेजिस्टेंस कुछ अलग होगी, अगर मैं ऐसे करंट फ्लो कराऊं तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ अलग आएगी। कंडक्टर वही है, लेंथ वही है, एरिया वही है, रेजिस्टिविटी वही है, लेकिन आर की वैल्यू बार बार चेंज आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमें इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। ठीक है, याद रखना है, ध्यान से गलती कर देते हैं तो रियलिटी में आर रेजिस्टेंस सही है, रो रेजिस्टिविटी सही है, लेकिन जो एल है वो हमें लिखना है लेंथ ऑफ कंडक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये हमें चेंज करना है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं है, लेंथ ऑफ कंडक्टर तो है लेकिन लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो वाली लेंथ हमें लेनी है। भाई करंट की डायरेक्शन तो हम चेंज कर सकते हैं, कभी ऐसे और कभी जैसे मैंने बताया कि कभी ऐसे कर सकते हैं, कभी ऐसे कर सकते हैं, तो लेंथ अलग हो गई। तो इसका मतलब है कि एल क्या है, एल हमें लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं बोलना, हमें बोलना लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और सेम कहानी एरिया के लिए भी बोलना है हमें कि एरिया कौन सा वाला लेना है, एरिया ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी वो एरिया लेना है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, फिक्स एरिया नहीं ले सकते हैं, तो ये हमें रीडिफाइन की नीड थी और ये रीडिफाइन हमें जरूर करना था ताकि हमारे क्वेश्चन सही हो जाएं। तो मैंने आपको अभी दो तीन एग्जांपल दिखाए इसके, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है पक्का कि एल नॉट ए लेंथ ऑफ कंडक्टर ओनली, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, और जो ए है वो है एरिया ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के एरिया और लेंथ है वो याद रखना है हमें, कंडक्टर की लेंथ और एरिया से मतलब नहीं होता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसमें मैं एक दो और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ आपको और आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कहीं भी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मैंने अभी आपको कराए सिलेंडर के बारे में लगा दिया, एक स्पेयर ले लेते हैं, स्पेयर है ये, याद रखना है स्पेयर है, इनर रेडियस मान लीजिए ए है, आउटर रेडियस मान लीजिए बी है, और करंट सपोज करो ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, आपसे पूछा बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमें सिंपल सा समझ में आ रहा है कि देखिए यहां से एरिया चेंज हो रहा है बार बार, एरिया वेरिएबल्स है, तो अगर एरिया बढ़ रहा है तो हमने ऐसे केस में क्या करते हैं, हम आर पर जाते हैं और डी आर की एक छोटी सी स्ट्रिप्स ले लेते हैं जिसकी लेंथ डी आर होती है। अरे सर, में आर पर जाओगे और डी आर की एक छोटी सी स्ट्रिप्स लोगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, डी आर, तो ऐसे इसका छोटा सा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो डी आर। ठीक है, रो तो डेंसिटी सबकी रखनी है, अपॉन एरिया। अब एरिया देखिए क्या आ रहा है इसमें, एरिया है ये वाला एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया स्पेयर का, ये वाला यहां से यहां तक का। चलो जी, तो अब डी आर, डी अब इसमें भी देखिए डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां रेंस ली तो ये डी आर, यहां ली ये डी आर, ये डी आर, यानी सब सीरीज में है। अगर ये सब सीरीज में है तो सिंपल हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करना है, ए से लेकर बी तक करना है इंटीग्रेशन, तो और 0 से लेकर R तक करना है, तो डी आर का इंटीग्रेशन आर हो गया। इसमें से कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, 4 पाई इंटीग्रेशन करना है डी आर से R स्क्वायर का, और ये क्या लिखेंगे, ए से बी,
तो इंटीग्रेशन कर लीजिए 1/r² का। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/r। चेक कर सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो r^-2dr, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो r^-2+1 एंड -2+1 दैट इज r^-2+1 यानी r^-1/-1 दैट इज -1/r। आ गया समझ में? तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो r = ρ/4π -1/r। तो 1/r अगर 1/b माइनस तो माइनस आगे लगाना है, अगर हम इससे लिख देंगे तो इसको माइनस को हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख सकते हैं 1/4π 1/a - 1/b। आप ऐसे लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ρ/4π 1/a - 1/b। तो अगर हमें ऐसे निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है। एक स्फीयर का केस ले लिया हमने, इसका एक और केस लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ये जो एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्टली बहुत अच्छी अच्छी बुकों में भी है, फर्स्ट इरोडो वगैरह और तुम्हारे एनसीईआरटी में। तो ये फ्रस्टम का केस है, तो एक फ्रस्टम का केस भी ले लेते हैं हम, ठीक है। सपोज करो एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम पढ़ा होगा आपने ऐसा कुछ, बार बकेट की शेप का होता है, एक ये एरिया एक ये एरिया, ठीक है। इसकी रेडियस सपोज मान लो ए है और इसकी रेडियस ए मान लो बी है, लेंथ मान लीजिए एल है, ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, आपसे पूछा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो मान लें। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें समझ में आ रहा है कि एरिया देखिए इसमें भी चेंज हो रहा है, यहाँ से करंट कुछ अलग, यहाँ करंट कुछ अलग है, यहाँ से एरिया चेंज होता जा रहा है इसका। अगर एरिया चेंज होता जा रहा है तो इसका आर भी चेंज होगा। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं कि ऐसे केस में जिसमें ये चीज चेंज हो रही हो तो x पर जाकर dx, ठीक है, x पर जाकर dx की एक छोटी सी डिस्क काट लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है फर्स्ट में काट ली तो एक डिस्क ही बनेगी। तो x पर जाकर dx की एक छोटी सी डिस्क ले ली dx, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आप लिखोगे dr = ρ, इसकी लेंथ क्या हो गई dx और इस डिस्क का एरिया क्या हो गया πr²। इस डिस्क का एरिया क्या हो गया πr², क्लियर है? अच्छा जी, देखिए अब क्या करना है इसमें, ρ dx πr dr। तो अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, कि प्रॉब्लम ये है इसमें कि ये dx है और ये r है, तो जो डिफरेंशिएट होगा यानी इंटीग्रेशन जो होगा वो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है इसका, सपोज करो r रेडियस हो गई तो ये dr² कर लिया, चलो कोई बात नहीं, इसकी लेंथ है dx, एरिया πr² मान लिया। तो अब कैसे करेंगे इसका, तो ये प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये वेरिएबल तो dx है और ये r है, इसके अकॉर्डिंग करा जाएगा। इसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये dr, ये dr, ये dr, ये dr तो सब सीरीज में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए हमें थोड़ा इसको हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, और ये मान लेते हैं ऐसे। तो देखिए ये जो बनी, ये आप सब दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, आगे समझे, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी क्या होगी b - a, ये पूरी कितनी है b, ये कितना a, तो ये b - a, लेंथ तो l ही होगी। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, ठीक है। मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत लेंथी तरीका है, कर भी सकते हैं अलग अलग से। अच्छा जी, y = mx + c, तो y को हम r रख लेते हैं, दैट इज r, mx, m क्या होता है स्लोप होता है, स्लोप स्लोप क्या होगा, देखिए b - a / l tan थीटा होता है स्लोप, तो ये हो गया b - a / l into x, और प्लस इसका इंटरसेक्ट दैट इज a। चलो जी हम इसका करते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dr = dr/dx कर दें, तो b - l (dx) प्लस वो तो हट गया प्लस 0, ठीक है। तो यहां से अगर हम
dx की वैल्यू निकाले तो dx की वैल्यू क्या आएगी, तो dx की वैल्यू आएगी यहां से l अपॉन b माइनस a इंटू डी आर, आगे चल रहे फिर dx की वैल्यू आ गई l अपॉन b माइनस a इंटू डी आर। इसको हम हाफ फुट कर लें तो dr इज इक्वल टू रो l b माइनस a dr अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी तक लिमिट है आपकी, तो अब क्वेश्चन सोल्व हो गया सिंपल, ठीक है। बहुत एक शॉर्ट तरीका बताया मैंने कि आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हम ये स्लोप है इस स्लोप को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको लीजिए यहाँ से, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से डी आर, डी आर की वजह से डी एक्स मिल जाएगा, हमें डी एक्स ही चाहिए था, तो हम इसको लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमको बाहर निकाल लीजिए, रो एल कॉन्स्टेंट है, बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, और आपके पास बचा केवल डी आर अपॉन आर स्क्वायर ए से लेकर बी, क्लियर है, ए से लेकर बी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें समझ में आ गया वन माइनस के वन बाई आर, ठीक है, यहां कर देते हैं इसे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाय पाई बी माइनस ए, और माइनस वन बाई आर, वन बाई आर यानी वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय पाई बी माइनस ए, और इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अच्छी अच्छी बुकों में है, तो हमें बताना था फ्रस्टम का, तो फ्रस्टम का क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा, ये ए था ये बी था और इसका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका जो डी आर आएगा वो रो डी एक्स वाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स पर जाकर डी एक्स, हमने एक छोटी सी स्ट्रिप्स ली है और ठीक है, जिसकी लेंथ डी एक्स है, समझ में आ रही है, और इस डिस्क का एरिया हमने पाई आर स्क्वायर मान लिया, तो ये निकाल कर वाई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्टेट लाइन की इक्वेशन लगा दी है हमने और उसको हमने इजीली सोल्व कर लिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया कि आर इक्वल टू रो एल वाई ए, में रियलिटी में एल और ए क्या होते हैं, तो ये हमें याद रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और इसी तरह से मैंने बताया कि फिजिक्स को रटना तो है ही नहीं भाई, खाली अगर आप आर इक्वल टू रो एल वाई ए रट कर चले जाएंगे, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इज द एरिया ऑफ एक्सेप्शन, तो आपको क्वेश्चन आप देख रहे थे आप गलत हो जाते, तो आपको ये नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है, समझना है, आप कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप कितने भी क्वेश्चन इस पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको देते रहें, हमारी यही कोशिश है, हम कोशिश को अपने को पूरी करेंगे, तो जुड़े रहिए रूट ऑफ फिजिक्स के साथ।